हेलो स्टूडेंट, मैं रश्मि दुबे फ्रॉम SKLGD पब्लिक स्कूल। काव्यखंड का फर्स्ट चैप्टर थर्ड स्टेंजा देखिए। काव्यखंड में पहला चैप्टर है आपका पद सूरदास जी के। तो सूरदास जी इसके रचयिता हैं। इन्होंने क्या कहा है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दड़कर पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कहना कहना जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककरी सूत ब्याधि हमको ले आए देगी सुनी ना करी यह तो सूर तिन्हेलो सोपो जिनको मन चकरी। क्या कहते हैं सूरदास जी, कहते हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल क्या है, हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में हमेशा उड़ते वक्त बैठते वक्त अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है। तो गोपियां कहती हैं उद्धव जी से, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि है वो हारिल की लकड़ी के समान है जो हमेशा हमारे मन में वास करते हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उड़ यह दृढ़ कर पकड़ी, हमने मन क्रम बचन से उनको अपने मन में बसा रखा, यह दृढ़ कर पकड़ी, उनको एक दृढ़ता से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, यानी जागते हुए सोते हुए स्वप्न में सपनों में दिवस यानी दिन में रात में जागते सोते सपने में हमेशा हम कहना कहना जकरी, हमेशा हमारे मन से कहना कहना ही निकलता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करी ककरी, आप जो हमारे लिए योग का संदेश लाए हैं, जो हमारे लिए योग का संदेश लेकर आए हैं कि आप किसी और की आराधना करने लगे, ये लागत है ऐसो ज्यों करी ककड़ी, हमारे कानों को ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है सुनने में जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो, यानी हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमने किसी कड़वी ककड़ी का सेवन कर लिया हो जो हमें आप योग का संदेश सुना रहे हैं। सूत व्याधि हमको ले आए दे की सुनी ना करी, सूत व्याधि यानी एक ऐसी व्याधि हमारे लिए लेकर आए हैं आप जिसके बारे में ना हमने कभी सुना है ना हम कुछ जानते हैं उसके बारे में, आप ऐसी एक व्याधि हमारे सामने लेकर आए और कहते हैं योग की साधना करो। यह तो सूर तिन्ही ले सोपो जिनको मन चकरी, क्या कहते हैं सूरदास जी, कहते हैं यह तो सूर तिन्ही ले सोपो, यानी यह जो आप योग साधना का संदेश लेकर आए हैं यह आप उन्हीं को जाकर बताइए जिनके मन चकरी, जिनका मन चकरी के समान है यानी जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, यह योग का संदेश आप उन्हीं को जाकर समझाइए जो अपने मन में स्थिर नहीं है। हमारा मन स्थिर है, हमारा मन किसमें लगा हुआ है, श्री कृष्ण के मन में, हमारे मन में श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं, हमारा मन श्री कृष्ण से लगा हुआ है। तो आप ये अपना योग का संदेश उन्हीं को जाकर सुनाएं जिनका मन चक्री के समान है, यानी अपना मन जिसका जो परिवर्तन करता रहता है उनको अपना योग का संदेश सुनाइए। हमारा मन हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि तो हारिल के पक्षी के समान, उस लकड़ी के समान है जो सदैव हमारे मन में वास करते हैं। गोपियां जो उद्धव जी संदेशा लेकर आते हैं उनको उल्हाना देते हुए ऐसे कहती हैं।